वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं कनी टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों ये है कैमन 16 और ये पाकिस्तान के अंदर जल्द ही लॉन्च होने वाला है। तो कैमन 16 जो है इसके अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्पेक्स हैं जिसके बारे में आज आपको बताने वाला हूं। दोस्तों लॉन्च डेट कंफर्म करने वाला हूं और साथ में आपको ये भी बताऊंगा ये फोन जो स्पेशल टेक्नोलॉजी के साथ आता है वो कौन सी टेक्नोलॉजी है, और इसके अंदर कुछ खास फीचर्स ऐसे हैं जो कि मुझे काफी अच्छे लगे। वैसे जो है टेक्नो के फोन्स या फिर आप कह सकते हैं टेक्नो जितने भी फोन लॉन्च करता है वो वैल्यू फॉर मनी होते हैं, तो उम्मीद करता है ये भी वैल्यू फॉर मनी होगा। और साथ ही मैं आपका इसका प्राइस गेस भी दूंगा कि कितनी प्राइस के अंदर लॉन्च होने वाला है। और यहाँ दोस्तों एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, ये एक कैमरा सेंट्रिक फोन होने वाला है विद एक गेमिंग प्रोसेसर, मतलब गेमिंग प्रोसेसर के साथ भी आने वाला है, कैमरा सेंट्रिक भी फोन होने वाला है। परफॉर्मेंस प्लस आपको कैमरा देखने को मिलेगा इस फोन के अंदर, जो कि हर बंदे को चाहिए। बंदे को चाहिए मैं गेमिंग भी करूँ और कैमरा भी अच्छा हो, तो ये एक कैसे इतनी एक पूरा पैक है। तो इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर जो स्पेक्स हैं वो कौन कौन से हैं और ये कौन कौन सी फीचर से लेस है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। दोस्तों इस फोन के अंदर जो मेजर हाईलाइट वो ये है कि इस फोन के अंदर टाइबोस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है कैमरा के अंदर, और इसके बारे में एक मैं डेडिकेटेड वीडियो ला रहा हूं, जल्दी पोस्ट हो जाएगी, तो आप ये टेंशन ना लेगी ये टेक्नोलॉजी क्या है क्या करेगी। तो जल्दी डेडिकेटेड वीडियो के अंदर मैं इसको मुकम्मल कवर करूंगा और विद आपको सैंपल्स प्रोवाइड करूंगा ये टेक्नोलॉजी का कैमरे के अंदर काम क्या है और कैमरे को कैसे ये इंप्रूव करती है। फिलहाल अब ये लेके चले ये जो टेक्नोलॉजी है ना कैमरे की परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर देती है लोलेट के अंदर, आउटडोर शोटोर सब कुछ। तो ये जो मोबाइल फोन है 4K तक सपोर्ट करता है वीडियो रिकॉर्डिंग को, तो उन लोगों के लिए जो कि वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं एक बेस्ट फोन हो सकता है। और साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता देता हूं ये जो मोबाइल फोन है 960fps सुपर स्लोमो को भी सपोर्ट करता है, जो कि बहुत कमाल की बात है। और यहां दोस्तों इसके अंदर इमेज स्टेबलाइजेशन भी बहुत कमाल की मिलने वाली है। तो कैमरा फीचर्स मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये कैमरा सेंट्रिक फोन होने वाला है। और दोस्तों एक मुझे बहुत बात अच्छी लगती है कि फोन के बैक पे भी आपको जो है एक अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिले, फ्रंट पे मिले, या आपको दोनों तरफ अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिल रहा है। बैक की तरफ आपको 119 डिग्री का जो है 119 डिग्री एंगल का जो मतलब के कवर करेगा एरिया वो आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलता है। फ्रंट की तरफ आपको 105 डिग्री का जो है वो एक अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलता है, जो कि काफी कमाल की बात है। तो इसका जो डिस्प्ले है वो 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले है और साथ ही डुअल पंच होल के साथ आता है, जिसकी वजह ये है कि ये जो फोन है एक डुअल सेल्फी के साथ आता है। और साथ ही साथ दोस्तों एक गेमिंग स्क्रीन है क्योंकि 90fps तक आपको जो है गेमिंग देखने को मिलेगी, और साथ में गेमिंग प्रोसेसर हीलियो G90T। और यहाँ ये जो प्रोसेसर है काफी हीटअप के इश्यूज पिछले फोन्स में देखने को मिले, लेकिन दोस्तों यहाँ टेक्नो की तरफ से कहा जा रहा है इसके हीटिंग प्रॉब्लम जो है वो इस फोन में सॉल्व कर दिए गए हैं। तो मजीद इसकी टेस्टिंग में देखेंगे क्या इसके हीटिंग इश्यूज जो है वो सॉल्व हो चुके हैं या नहीं। दोस्तों फ्रंट की तरफ आपको एक डुअल कैमरा देखने को मिलता है, जो कि मेन सेंसर वो 16 मेगापिक्सल का है और साथ एक अल्ट्रा वाइड सेंसर है। और बैक की तरफ दोस्तों मेन जो है वो 48 मेगापिक्सल का सेंसर है, साथ में एक अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, और साथ ही आपको एक मैक्रो लेंस दिया गया है, मतलब कि क्वाड कैमरा आपको बैक की तरफ देखने को मिलते हैं। दोस्तों इस फोन के अंदर आपको 4500mAh की बैटरी देखने को मिलती है, साथ ही 233 वाट का मतलब कि 33 वाट का आपको फास्ट चार्ज का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि बैटरी को 70 से 90 मिनट में चार्ज कर देगा। और दोस्तों एक बात मैं आपको बताता चलूं, इस बार टेक्नो की ब्रांड एंबेसडर मैं भी हयात है, तो मैंने कहा क्यों ना मेंशन कर दूं आपको, कुछ लोग होते हैं वो जरा इस चीज को देखते हुए फोन लेते हैं। तू मेरा पुत्र छुट्टी का चल। दोस्तों अगर बात करें एक्सपेक्टेड प्राइस की, तो एक्सपेक्टेड प्राइस जो टेक्नो की तरफ से निकल के आ रही है या फिर हमारा जो एक्सपेक्टेशंस है वो यही है कि टेक्नो जो है इसे 35-40 के राउंड ओवर लॉन्च करेगा। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर इसे 35-40 के दरमियान में लॉन्च किया जाए तो एक बहुत ही वैल्यू फॉर मनी डिवाइस नहीं होगा। अगर इसे थोड़ा सा नीचे लॉन्च किया जाए, मतलब कि 35 से नीचे लॉन्च किया जाए, तो एक आप कह सकते हैं कि मार्केट को बिल्कुल ही तबाह बर्बाद कर देगा, मार्केट के अंदर कोहराम मच जाएगा कि एक बार कि ये जो फोन है आपको अच्छे स्पेक्स के साथ एक अच्छी रेंज के अंदर देखने को मिलता है। क्योंकि ये फोन अगर 40 की रेंज में हमें देखने को मिलेगा, तो उसके अलावा हमारे पास पोको X3 और इन्फिनिक्स का 08 भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर, जो कि लेस प्राइस के अंदर हमें यही फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो मोबाइल फोन है 3 नवंबर को लॉन्च हो रहा है, तो टेक्नो पाकिस्तान का जो पेज है वहां जाके आप इसे लाइव देख सकते हैं, तो जहां आपको पता लग पाएगा ये जो फोन है कितनी प्राइस के अंदर लॉन्च किया गया। और दोस्तों उस दिन उम्मीद है कि मेरी अनबॉक्सिंग भी आ जाएगी, तो अनबॉक्सिंग भी जरूर देखिएगा। अभी जो है डिब्बा तो हमारे पास आ चुका है, लेकिन कह लेंगे अनबॉक्सिंग तभी पोस्ट होगी जब इसका लॉन्च इवेंट होगा। दोस्तों आज की वीडियो इतना ही था, फिर मैं अपनी वीडियो के साथ इस तरह वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा दें, और मुझे बताइएगा क्या ये फोन का आप इंतजार कर रहे हैं या नहीं।